और दोस्तों हम लोग आ चुके हैं होम स्टे जो जहाँ पर हम रुके हुए थे कमल भैया का। आज की यात्रा बहुत ही अच्छी रही, आनंददायक रही, बहुत मजा आया। पैर तो खैर दर्द कर ही रहे हैं मेरे, कोई बात नहीं, जब समस्या है तो है। और मामा के हालचाल पूछ लेता हूँ, कैसा रहा भाई? बहुत बढ़िया, बढ़िया रहा ना। और देखिए भैया ने, कमल भैया ने हमारे लिए लाके दिए हैं काफल, क्या बोलते हैं काफल। और भैया की पूरी फैमिली बैठी हुई है और दो आंटी लोग अभी आई हैं, इन्होंने हमें प्रसाद खिलाया है देवता का। अच्छा अच्छा आपकी भाभी है, तो हमारी भाभी हो गई सॉरी, मैं अपने अच्छा अच्छा आप अच्छा आप दिनेश जी की माता जी हैं, ठीक है। और ये पहाड़ी फल है, इसको काफल बोलते हैं। और भैया ने इस पे नमक डाला तब हमने ये खाया है। नमक और सरसों का तेल भी मिला रखा है उसमें। कौन सा भैया? सरसों का तेल और नमक। अच्छा सरसों का तेल और नमक, हाँ। और वो भाभी जी है हमारी, कमल भैया की वाइफ। और चलिए मैं उधर जाके मिलवाता हूँ सबसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिनेश भैया से, वो सॉरी कमल भैया से, कमल सिंह बिष्ट जी, जिनका ये होम स्टे है। मेरे बड़े पुराने परिचित है, मैं कल भी बताया था आपको, और उनकी वाइफ है भाभी जी, ठीक। और इनसे मिलिए, ये हैं दिनेश जी जो हमें कल ड्रॉप करके गए थे, उनकी माता जी। अब कमल भैया क्या कह रहे हैं, क्या ये चाउमीन की मम्मी है? चाउमीन की मम्मी। अब ये ऐसा क्यों बोल रहा है मैं बता दूं आपको, अभी आते हुए क्या हुआ, मैंने चाउमीन खानी थी दोस्तों को मेरे, तो वहां पे जो है भैया की दुकान है आगे चौराहे पे जहाँ हम कल मिले थे, तो उन्होंने चाउमीन बनाई, बहुत टेस्टी चाउमीन बनाई, मैं नहीं खाता हूँ लेकिन बहुत अच्छी थी। और ये दिनेश जी की चाची जी है, और ये जीतू भैया है कमल भैया के छोटे भाई, ये उनकी धर्मपत्नी है और ये उनका बेटा है। हेलो बेटा, हाय सर, बहुत बड़े हो जाओ बेटा, बहुत बड़े, बहुत बड़े। और ये कमल भैया की छोटी बेटी है, बड़ी वाली कहाँ गई? बड़ी वाली अभी जा रही गौशाला। अच्छा अच्छा, और ये देखिए भैया के खेत भी यहीं पर आ रहे हैं, और यहाँ आलू लगाया हुआ है भैया ने। और आज जो हम भैया हमको बीन्स खिलाने वाले हैं, वो मैं दिखा दूं आपको, जिसकी सब्जी बनेगी आज, दिखाना मामा जरा कहाँ है वो, आ रही थी, दिखाओ एक बार उठा के। हाँ ये वाली, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, कौन सी थी भैया दिखाना? आज इसकी सब्जी बनेगी रात को, ये वाली, ये वाली। इसको वैसे क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ फ्रास बीन बोलते हैं इसको, फ्रास बीन, हाँ, गढ़वाली में, गढ़वाली में, हाँ। हमारे यहाँ भी शायद फ्रास बीन ही बोलते हैं, हाँ। इसको। और ये भैया का देखिए, इसमें पशु बने हुए हैं, ये पशुओं के लिए बनाया गया है, और उधर पानी की व्यवस्था है जी। भैया ये क्या प्याज लगाई हुई है? क्या चीज? कमल भैया ये क्या लगाया हुआ है यहाँ? अच्छा, और वो आलू है उधर, ये सारे खेत अपने हैं ना, हाँ, सारे खेत अपने। और देखिए इसके बाद में पूरा जंगल है सामने। और एक चीज और दिखा दूं मैं आपको, देखो सेब, मैं यहीं से जूम कर रहा हूँ और सेब आ रहे हैं। भैया ये कब तक तैयार हो जाएंगे सेब? अगस्त में। ये देखिएगा आप, बहुत छोटे छोटे सेब आ रखे हैं इस पे, बहुत छोटे, क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत अच्छी खासी होती है और सूर्य देवता अस्त हो जाएंगे। और ठीक जहाँ से सूर्य देवता अस्त होंगे, उनके ठीक पीछे कार्तिक स्वामी का मंदिर है जहाँ से हम लोग आज होके आए हैं। और इस तरह से भैया ने ये अपना नीचे इनका घर है, और ऊपर इन्होंने ये होम स्टे बनाया हुआ जहाँ हम लोग रुके हुए हैं। और ये राहुल जी जा रहे हैं, अब वो दोनों चले गए, तीनों चले गए ऊपर। तो मैं यहाँ बैठा हुआ था कुछ फुर्सत के पल भैया के साथ बिताने के लिए। दोस्तों ये मेरे जीवन का पहला अनुभव है, आज तक घूम तो मैं बहुत ही रहा हूँ, लेकिन जब जहाँ भी रुके हैं हम लोग, वहाँ जाके होटल में भी रुके हैं, लेकिन यहाँ इतना बढ़िया लग रहा है, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम होम स्टे में लगे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं परिवार में हूँ। सारे बच्चे तत्पर हैं काम के लिए, भैया ने बिल्कुल एकदम अपना तो वाली बात भावना है बिल्कुल एकदम, और बहुत अच्छा बनाया हुआ है। और हवा जो है वो ठंडी चलने लगी है, जैसे ही सूर्य अस्त हो जाएगा उसके बाद में जो है उसके पश्चात हवा और ठंडी हो जाएगी। तो आज की यात्रा बहुत अच्छी रही हमारी। अब कल सुबह को हम यहाँ से निकलेंगे अपने घर के लिए। जब हम कल सुबह को घर जाएंगे, उससे पहले यहाँ कुल देवी का मंदिर है, तो मैं आपको वो दिखा दूंगा। अभी वीडियो शूट इसलिए कर रहा हूँ इतनी जल्दी, फिर अंधेरा हो जाएगा, फिर बाहर का व्यू आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए। लेकिन व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, देख सकते हैं आप मेरे पीछे भी बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। और मेरे साथी ऊपर चले गए, और हम लोग इवनिंग वॉक पे निकल चुके हैं यहाँ से। चलो चलते हैं हम सामने। अब आप ये शाम का दृश्य देख रहे हैं, ये कमल भैया का बेटा है, क्या नाम था? हिमांशु। और आपका? शुभम। शुभम, ठीक। और ये आपके सामने किंजाणी गांव का जो है देवी मंदिर है, राजराजेश्वरी माता का मंदिर है, और ये यहाँ की कुल देवी है।
तो मंदिर सुबह को मैं घुमाऊंगा। फिलहाल बच्चों के साथ हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, बैठिए ना, और बॉल इनके पास है अभी। चलो दोस्तों, कई साल बाद बल्ला पकड़ा है मैंने, मतलब पैर खराब होने के बाद भी मैं खेलता रहा, लेकिन अब ज्यादा समस्या आ गई तो खेलता नहीं हूँ, अब ट्राई कर रहा हूँ। बेटा छोटा स्पिन रखना, शॉर्ट पिच गेंद डालना है ना, सेटिंग है पहले से अपनी, ठीक। चलो एक और, तो मैं बन जाऊंगा। स्पिन छोटा कर लो बेटा, स्पिन बहुत बड़ा कर रखा आपने। लो और बहुत अच्छे प्लेयर आपके सामने खेल रहा है अमित चंदा जी, और देखिए बहुत बढ़िया स्ट्रोक, तालियां। बॉलर का नाम क्या है? शुभम। और शुभम बॉलिंग करते हुए, और बैट्समैन है अमित चंद्रा, और गजब शॉट। और अब उतरे हैं कमल भैया, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, और बॉलिंग फिर वही शुभम। बॉलर का नाम बताइए? मानसु। गजब भाई गजब, बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन, वेल डन वेल डन, बहुत बढ़िया शॉट। और हम लोग क्रिकेट का आनंद लेते हुए पहाड़ों की वादियों में इस समय उत्तराखंड में। और नए बैट्समैन आ चुके हैं अंकित, और बॉलर अभी गेंद ढूंढ के ला रहे हैं, और फिर बॉलिंग करेंगे शुभम, और शुभम के हाथ में बॉल है, मीडियम पेसर है, बहुत अच्छी बॉल डालते हैं। और ये देखिए अंकित के लिए बॉल, गजब, वेल प्लेट वेल प्लेट वेल प्लेट। और शुभम फिर गेंद करेंगे अंकित को, कैच, बच गया, और ये ड्रॉप हो चुका है। और ये शुभम है जो मुझे बॉलिंग कर रहे थे, एक ओवर शुभम ने डाला मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे खिलाने के लिए। शुभम कौन सी क्लास में हो? एट में, यही इसी गांव के हो तब? आप तो भांजे हो ना कमल भैया के? ठीक ठीक, एट क्लास में। और ये इस गाँव का प्ले ग्राउंड है, क्योंकि पहाड़ों पर छोटे छोटे ग्राउंड होते हैं, क्योंकि समतल जगह बहुत कम होती है इसलिए। और आप ये कुछ ही देर में शाम हो जाएगी, फिर इतना व्यू नहीं आएगा। और ये क्या बना हुआ है शुभम? ये यहाँ सामने क्या बेटा है? अच्छा स्कूल है ये? अच्छा ये कौन सी क्लास तक है? एट तक है, यानी कि जूनियर हाई स्कूल है ये, है ना, इस गांव का। और ये इस गांव का जूनियर हाई स्कूल है जो आप देख रहे हैं। और मेरे साथी राहुल जी, अमित और अंकित शाम का आनंद लेते हुए एकदम प्रकृति की गोद में, और मामा उधर बात कर रहे हैं। और हमारा रात्रि का भोजन तैयार हो चुका है, जिसे हम ग्रहण करने वाले हैं। और आज हम हमारा जो खाना भोजन है वो कुछ पहाड़ी भोजन है। एक तो वो फली बनी है, और ये भैया दाल किस चीज की बनी है? कमल भैया ये दाल कौन कौन सी बनवाई है पहले ये बताइए। ये भरतवा सर, ये राजमा जी, मिक्स दाल है ये, राजमा तुअर रईस और सोयाबीन की, यानी चार हो तो चार। हाँ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ आज का जो हमारा भोजन है उसमें क्या क्या है। देखो ये तो भैया ने जो चार तरह की दालें बनवाई है वो है। और ये भैया सब्जी किस चीज की है? ये आलू और फ्रांसबीन की फली है ना। चलिए ठीक है। और आज फिर तहरी बनाई है हमें तहरी बनाने का बहुत शौक है। और कुक हमारा वही अमित और मामा सर्व कर रहे हैं, और अंकित का भी योगदान है, मेरा कोई योगदान नहीं है भैया आज। और भूख बहुत तेज लग रही है, और समय हो चुका है जी 9:15, और अब हम भोजन करेंगे। ये चटनी आई, ये चटनी किस चीज की है? पुदीना, हमारे पहाड़ में चूड़ी फल होता है एक। अच्छा, और वो तो प्याज टमाटर तो खैर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया।
अली अब जाके हमारी कंप्लीट हुई है और सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है हमारी थाली का वो है रोटी। यह भाभी ने बनाई है और चूल्हे की रोटी है। ये देखो हम लोग कई साल बाद चूल्हे की रोटी खा रहे होंगे ना, हमारे यहाँ तो चूल्हे जलते ही नहीं है, या जलता है किसी के घर में, है ना। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल एकदम देसी भोजन करा रहे हैं आप हमें, एकदम बढ़िया वाला। मैं पानी नहीं लेता हूँ भोजन के साथ में, हाँ मैं बाद में ले लूंगा, अब मैं भोजन कर लेता हूँ, उसके बाद में आप लोगों से फिर बात करते हैं। और उसके अंदर ताहरी रखी हुई है, वो भी बाद में दिखा देंगे जब परसेंगे। तो ये हरी वाली चटनी तो इतनी प्यारी हो रही है भाई, समा बांध दिया भैया इसने, बहुत स्वादिष्ट, रोटी भी मजा गया। और अब नंबर लगाया है ताहरी का। ताहरी आज कैसी हो रही है? बढ़िया हो रही है एकदम। हाँ भाई तेरी बनाई हुई है, तू तो बनाते बता दे मामा। बढ़िया ताहरी कैसी हो रही भैया? चलो भाई अब मैं भी चख लेता हूँ थोड़ा, इससे पहले भी फुलका खाया, अब ताहरी खाते हैं। ये रखिए इसमें, अभी प्लेट में करते हैं फिर खाते हैं। और समय हो रहा है रात के 10 बजने में, 10 मिनट बाकी हैं। डिनर हमारा हो गया, बहुत ही आनंद पूर्वक डिनर हुआ, क्योंकि पूरा भोजन पहाड़ी था एकदम। रोटी जो थी वो चूल्हे की थी, भाभी ने बनाई थी। अब ये चार रूम बने हुए हैं जो होम स्टे के लिए बनाए भैया ने, इसमें से भैया ने एक रूम कमल भैया ने अपने पास रखा हुआ है और वो उनका स्टडी रूम है। आप सोचिए कि तीन बच्चे हैं भैया के और सबसे बड़ी बेटी 12th क्रॉस कर चुकी है और भैया उसके बाद में भी पढ़ रहे हैं, और भैया बीएड हैं और अभी तैयारी कर रहे हैं, कहीं कहीं ना कहीं नंबर आ जाए तो बड़ा अच्छा है, स्थितियां सुधर जाएंगी कुछ स्थितियां। तो मैं दिखा देता हूं आपको भैया का स्टडी रूम, और देखिए कमल भैया एकदम नए रूप में, ये भैया की बुक्स है। थोड़ा मेरी आंखें भी थोड़ा कमजोर है ना। अच्छा नजदीक के लिए? हाँ नजदीक की जाती है, 40 प्लस होने के बाद ना भैया, मेरे भी लग गया चश्मा, 40 प्लस तो जाएगी जाएगी, मतलब प्लस वन तो आएगा, माइनस वन तो आएगा, माइनस वन होगा ये भी आपका। अच्छा मैं चीज बता दूं आप लोगों को कि जब भैया आपसे मेरा परिचय हुआ था जी, तो हाँ 2020 में, 2020 में नवंबर में जी, तो भैया आपका जो वहाँ होटल है बनियागुड़ में चौपता में, किस नाम से था वो? सूर्य होटल के नाम, सूर्य होटल के नाम से हम वहाँ लोग, हम वहाँ खाना खाने आए थे, है ना, और आप वहाँ रोटी बना रहे थे जी, जी। वो आपके छोटे भाई का था, तो मैंने सोचा अब वही वाली बात है, तो फर्स्ट इम्प्रेशन था लास्ट इम्प्रेशन। लेकिन भैया ने जब अपने विषय में बताया तो मैं बड़ा मतलब इंस्पायर हुआ भैया से, कि भैया यार बीएड है और भैया अब भी तैयारी कर रहे हैं, तो भैया आप किस चीज की तैयारी चल रही है? मैं टीचिंग की तैयारी कर रहा हूँ अभी। अच्छा हाँ, तो उत्तराखंड में जैसे हमारे यहाँ यूपी में टैट होता है, आपके यहाँ भी होता है? जी बिल्कुल होता है, मैंने टैट के 3 वो क्रॉस कर रखे हैं, मतलब क्वालिफाई कर रखे हैं, क्वालिफाई कर रखा है। बहुत बढ़िया भैया, तो पढ़ाई चल रही है अभी? पढ़ाई चल रही है अभी। तो अब कब है? अभी मेरा ये एग्जाम होगा 18 अगस्त को। 18 अगस्त को, हाँ एलटी का। चलिए भगवान भोलेनाथ आपको जो है सफलता प्रदान करे जी सर। और मेरी टीम खा खा के लमलेट है, कुछ ज्यादा खा लिया, मैंने भी खाया भाई ज्यादा, ऐसा नहीं मैंने कम खाया। अच्छा कल तो हम खाने के बाद में ना लेट गए थे, कल हमारी सबकी हालत ऐसी हो गई थी कि खाना खाने के बाद में हम लोग लेट गए थे, लेकिन आज ओवर हो गया भाई, अब टाइम पास करना पड़ेगा, चहलकदमी करके अभी नीचे जाएंगे, कुर्सियां लग चुकी हैं और मनोज मामा चले गए, बच्चों को मोबाइल दिखा रहे हैं, उनका दिल बहला रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से नीचे चलते हैं, कुछ सीढ़ियां उतरेंगे चढ़ेंगे तो कुछ भोजन जो है वो पच जाएगा। दोस्तों भोजन करने के बाद में हम यहाँ बैठे हुए हैं, भैया के नीचे आ गए, खाना पचाना था इसलिए टाइम पास करना है, और रात का तो माहौल बिल्कुल अलग है, थोड़ी सी विजिबिलिटी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, जितनी लाइट है वो सारी जल रही है उसके बाद भी। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यहाँ के माहौल के विषय में, क्योंकि हमारे पीछे जंगल है, तो उस विषय में थोड़ी सी भैया से बात कर ली जाए, कमल भैया से, रात तो काटनी है कैसा ना कैसे, अभी नींद भी नहीं आ रही है, तो चलिए हम भैया से बात करते हैं। कमल भैया मेरे साथ हैं, और कमल भैया का जो बोर्ड है इस होम स्टे का वो भी आ चुका है, सामने रखा है, सुबह को मैं दिखा दूंगा। और भैया ने नाम बहुत यूनिक रखा है भाई अपना होम स्टे का, मैं आपको यहीं से पढ़ के बता देता हूँ, ऊपर रखा हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे वो काफल ट्री होम स्टे मोहन खाल यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे, बहुत ही छोटा सा, मतलब इस यहाँ से तो बड़ा है इस गांव से, और बहुत ही प्रसिद्ध गांव है वो यहाँ इस क्षेत्र का। तो भैया एक चीज बताइए, जैसे अब पीछे हमारे चार रोड जंगल है, हाँ, तो कभी भविष्य में ऐसा हुआ है कि कोई जानवर आता हो या किसी जानवर का भय बना रहता हो? नहीं यहाँ पे भय तो नहीं है, जानवरों का भय तो नहीं है, लेकिन जो जैसे हमारे यहाँ पे खेती होती है, आलू की खेती होती है, जैसे गेहूं की खेती होती है, तो बंदर सुअर और ये थोड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान पहुंचाते हैं, हाँ।
बिहार वैसे भी मैं पढ़ता रहता हूँ, तो मैंने एक आंकड़े पढ़े थे, तो उस बात में कहां तक सच्चाई है कि अभी तक पूरे उत्तराखंड में लगभग 3000 गांव खाली हो चुके हैं, पलायन कर चुके हैं लोग। हाँ। तो पलायन करने का मुख्य कारण क्या है? पलायन करने का मुख्य कारण यह है कि एक तो यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या है, उसकी सुविधाएं नहीं है, सुविधाएं नहीं है जी। लोग यहाँ से पलायन कर लेते हैं, लेकिन हमारे पहाड़ में पलायन सबसे ज्यादा हमारे पौड़ी गढ़वाल से हो रखा है, जहाँ से सबसे ज्यादा हमारे मुख्यमंत्री बने हुए हैं, मुख्यमंत्री हमारे सारे पौड़ी गढ़वाल से बने हुए हैं, लेकिन वहीं से सबसे ज्यादा पलायन हो, उसके बावजूद भी पलायन वहां से हो रहा है, पलायन वहीं से हो रहा है, क्योंकि उन लोगों को अपने से मतलब है, वो स्वयं वो पलायन कर चुके हैं, देहरादून में अपने हैं, कोई दिल्ली में है, कोई जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो सारे पलायन कर चुके हैं, तो जनता तो कह रही है। ये चीजें पढ़ने के बाद, कुछ देखने के बाद, क्योंकि लगातार 2016 से मैं घूम रहा हूँ, आता ही रहता हूँ प्रत्येक वर्ष में उत्तराखंड में, तो मतलब बड़ा हृदय दुखता है, व्यथित होता है मन, कि लोग बताइए अपने पूरे घर बार इतने पुराने पुराने मकान बने हुए हैं और वो छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, बिल्कुल वीरान और सुनसान पड़े हुए हैं। तो वो अपनी बच्चों की पढ़ाई के चक्करों में, पढ़ाई के चक्कर, हाँ पढ़ाई के, क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य और सबसे समस्या है शिक्षा की, शिक्षा की समस्या सबसे ज्यादा समस्या है, शिक्षा और स्वास्थ्य की, शिक्षा स्वास्थ्य, और तीसरी चीज आप इसमें अगर चाहे तो ऐड कर सकते हैं, वो रोजगार है, रोजगार, हाँ है ना, रोजगार। आप अगर अपने गांव में जैसे रह रहे हैं, तो अब हम आ गए, तो आपके पास रोजगार का सिर्फ एक ही संसाधन है, होम स्टे। अच्छा, होम स्टे में रोज तो कोई आएगा नहीं, रोज तो नहीं आएगा, है ना। दूसरा, आपके पास छोटी सी खेती है, खेती के लिए आप बता रहे हैं कि इसमें जो है आपके जंगली पशु खराब पड़ते रहते हैं, तो उनसे भी आप कहां तक टक्कर लेंगे? ये है कि हम थोड़ा बहुत मेहनत करके, थोड़ा जैसे बंदर आगे उनको भगा दिया, भगाते हैं, रात को थोड़ा देर तक जगते हैं, इससे थोड़ा हमारी खेती बच जाती है, बच जाती है। हाँ, लेकिन मेरी जहां तक समझ है कि जैसे हम लोग प्लेन से आए हैं, हम लोग धामपुर से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से जी, अब हमें क्या लगता है कि पहाड़ में रहना बड़ा आसान है, पहाड़ लेकिन ऐसा है नहीं। मैं सब लोगों को बता दूं कि पहाड़ का जीवन बहुत ही दुभर और कठिनाई पूर्ण जीवन है। अगर पानी भी लाना पड़ेगा तो बड़ी दूर जाना पड़ता है बच्चों को, भैया के जो बच्चे हैं वो खुद भी 5-5, 6-6 किलोमीटर, अभी तो इनके गांव में स्कूल खुल गया, जूनियर स्कूल, हाई स्कूल, तो अब तो यहाँ चले जाते हैं, लेकिन भैया खुद बता रहे थे कि हम लगभग 30-25 किलोमीटर खुद जाते थे। तो सबसे बड़ी उनकी समस्या भी ठीक है अपनी जगह, बहुत बड़ी समस्या आई है कि शिक्षा की, जहाँ शिक्षा नहीं होगी वहाँ कोई कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता है। तो मेन समस्या तो वही है, स्वास्थ्य और रोजगार, शिक्षा की। हाँ, जिसमें लोग यहाँ से ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, जैसे हम लोग तो, हमारा तो कस्बा है, शहर नहीं गएंगे हम उसे धामपुर को, तो जैसे हमने सुना है, दादी हमसे बताती थी कि जैसे जहाँ जंगल होते हैं, पहाड़ होते हैं, तो वहाँ मतलब एक दंत कथाएं होती हैं, दंत कथाएं कि वहाँ इस तरह की, जो है भूत प्रेत वगैरह। मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं उनका व्यू देना चाह रहा हूँ इस बात पे, तो ऐसा कुछ होता है जैसे आप यहाँ रहते हैं? अभी भी हमारे पहाड़ों में, जैसे यहाँ देवभूमि बोलते हैं, जी, तो देवभूमि में एक्चुअल में है ऐसी समस्याएं है, अभी भी होती है, हाँ होती है अभी भी जी, अभी भी है वो समस्याएं, अभी भी है, रहती है। हाँ, अच्छा, आज जैसे हमने ट्रैक किया कार्तिक स्वामी का, हाँ, तो हमने एक चीज वहां नोटिस की कि वहां जो है थोड़े थोड़े अंतराल के बाद में जो चट्टाने हैं, जो पेड़ है, वहां जो है आपका बिंदी, लिपस्टिक, कंघा, चूड़ी, मतलब जो भी सिंगार की वस्तुएं होती है महिलाओं के, वो वहां थी, और बहुत सारी महिलाएं जो है वहां जंगल में बैठ के, क्योंकि पूरा ट्रैक वो जंगल का है, वहां वो सिंगार कर रही थी। तो ये हमारी गढ़वाल की मान्यता है कि यहाँ पे जो वन देवियां होती है ना, उनको चढ़ाते हैं वो चूड़ियां, बिंदी, काजल, लिपस्टिक, जो भी होता है, मतलब औरतों का जो भी सामान होता है मेकअप का, तो उनको चढ़ाते हैं उसको। अच्छा, वन देवियां जो होती है, इसलिए वो वहां रखा जाता है, जो हम देख के आए हैं आज। अच्छा, मैं कार्तिक स्वामी क्यों आया, मैं इसका कारण बताता हूँ। अभी लगभग 1.5 या 2 महीने पहले मैंने एक व्लॉग देखा था, मुझे ये तो याद नहीं किसका बनाया हुआ था, तो उसमें उसने ये बताया है कि यहाँ जो ये जंगल है चारों ओर, इसमें परियां रहती हैं। उसने वन देवी को परियां संबोधन किया, उसने परियां बोला, लेकिन यहाँ और एक बात उसने वन देवी है, एक बात, हाँ वन देवी हो गई, आप वन देवी बता रहे हो, और एक बात उसने और बताई थी कि जो परियां रहती हैं, अगर उनका जो है दिल किसी पुरुष पे या किसी नवयुवक पे आ जाता है, तो उसका हरण कर लेती है। तो इस बात में कहां तक सच्चाई है? वो सच्चाई अब नहीं है, पहले थी वो, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है। हरण इन द सेंस,
आप अगर हरण का शाब्दिक मतलब कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में तो वो किडनैप कहलाएगा, किडनैप हाँ, है ना। तो वो किस तरह से होता मैं समझना चाह रहा हूँ। नहीं अभी नहीं है वो समस्या पहले थी, लेकिन पहले जो थी वो किस तरह से थी पहले वो तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन अच्छा सुना है आपने। बोलते थे हमारे जो पूर्वज थे वो हमें कहानियां सुनाते थे कि ऐसे करके ऐसे होता था, मतलब ऐसे, लेकिन हमें ध्यान नहीं रहता था कि उसको समझने में। अच्छा अच्छा, हम मजाक में नहीं थे उस चीज। अभी अभी मेरे साथ में मनोज जी हैं, बैठे होंगे तो मैं दिखा देता हूँ, बैठे उधर करिए आप कैमरा अंकित जी। अभी मामा है ये, एक्चुअली अमित के बता चुका हूँ, हम कह रहे थे कि हम भाई बाहर घूमने जाएंगे, तो मैंने इनसे कहा भाई बाहर भाई रोड पे नहीं जाना, क्योंकि देखो जंगल है और जानवर का कुछ नहीं पता, तो बेवजह का जो है पंगा नहीं लेना चाहिए किसी आदमी को, तो इसलिए आराम से बैठे हैं ये। अमित भी आ गया होगा, अमित बैठा कहाँ गया? अच्छा अमित बात कर रहा होगा शायद। चलिए तो भैया बहुत ही दो दिन हमारे मतलब क्या लग बताए, हम यहाँ से जाएंगे ना तो हम ये मान के चले आप लगभग एक हफ्ते तक परेशान रहने वाले हैं। हाँ वो तो होगा ही, मैं तो कम से कम तीन चार दिन तक हम हाँ, परेशान रहेंगे। हमारे यहाँ तो इस समय इतनी उमस हो रही है, हमारे यहाँ टेम्परेचर जा रहा है 46-47, और अब यहाँ तो हम दो दिन से कल रात भी जो है एकदम फ्लैट हो गए थे हम तो 20-22 ऐसे होगा यहाँ का टेम्परेचर। हाँ हवा में ठंडक है इस समय भी, लेकिन वो भी दिन में होगा, ज्यादा से ज्यादा 16-17 जा रहा होगा। हाँ इतना होगा, रात में 16-17 जा रहा होगा, ऐसे होगा है ना। दिन में लगभग 25-26, मैंने टी शर्ट पहन ली, ठंड लग रही थी तो ठंड लग रही थी इसलिए। लेकिन भैया बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम। हाँ क्योंकि देखिए इतना प्रेम जो है कोई नहीं दे पाता भाई जितना आप लोगों ने दिया, और आज के भोजन में तो वास्तव में ना मजा आ गया भैया, चटनी में और जो दाल बनी थी मिक्स वाली उसमें बढ़िया आनंद आ गया भैया। थैंक यू सर। तो अब रात्रि विश्राम करेंगे हम लोग, और कल सुबह को निकलने का हमारा प्रोग्राम है घर के लिए। अब देखते हैं सुबह को कितने बजे तक मित्र मंडली मेरी तैयार होती है, कहीं कल को कहीं जाएंगे नहीं हम, क्योंकि पैरों का जो है बैंड बज गया, लगभग 7 किलोमीटर का ट्रैक हो गया आना जाना, 3.5 किलोमीटर एक तरफ से था। और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, आप सबकी आज्ञा चाहूंगा आप मेरे व्लॉग को अधिक से अधिक शेयर करें प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। नमस्कार, शुभ रात्रि।